डिक्टेशन के 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह माना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम एवं प्रधान सद्गुण है, अर्थात सभी सामाजिक संस्थाएं न्याय के आधार पर ही अपनी औचित्य पूर्णता को सिद्ध कर सकती हैं। भारत में भी न्यायिक व्यवस्था का अपना अलग महत्व है। यदि भारतीय न्यायिक व्यवस्था का छिद्रा अन्वेषण करें तो हम पाते हैं कि न्यायाधीशों की कमी, न्याय व्यवस्था की खामियां और लचर बुनियादी ढांचे जैसे कई कारणों से न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर न्यायाधीशों व न्यायिक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। न्याय में देरी अन्याय कहलाती है, लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था को यह विडंबना तेजी से घेरती जा रही है। देश के न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को आंकड़ा लगभग 3.5 करोड़ पहुंच गया है। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण निर्भया केस है। वर्ष 2012 में निर्भया के साथ हुए जघन्य अपराध के विचारण में 7 वर्ष से अधिक समय लगा, जो न्याय व्यवस्था की लचर कार्यप्रणाली को उजागर करता है। इस आलेख में न्याय व्यवस्था की लचर कार्यप्रणाली के कारणों और इस समस्या के समाधान के लिए संभावित उपायों पर विमर्श किया जाएगा। भारतीय न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली सामान्य प्रणाली के साथ नियामक कानून और वैधानिक कानून का पालन करती है। भारतीय न्यायिक प्रणाली की निम्नलिखित समस्याएं हैं: न्यायालय में लंबित मामले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 58,700 तथा उच्च न्यायालयों में करीब 44 लाख और जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। इन कुल लंबित मामलों में से 80% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। इसका मुख्य कारण भारत में न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम होना तथा पदों की रिक्तता का होना है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं। विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 50 होनी चाहिए। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 3 गुना करनी होगी। पारदर्शिता का अभाव भारत में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक मुख्य समस्या पारदर्शिता का अभाव है। न्यायालयों में नियुक्ति स्थानांतरण में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनका स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली में उच्चतम न्यायालय के संबंध में निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश सहित 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। वही उच्च न्यायालय के संबंध में इनकी संख्या 3
होती है। स्टॉप।